हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नया। भाई ये कहाँ पे जा रहा है भाई, माइक्रो रैप्टर? हेलो अंकल, अबे कहाँ पे? अरे भाई इसकी मूवमेंट्स भी कुछ ज़्यादा ही है भाई। तो गाइस कैसे आप सभी लोग, और गाइस आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क मिथिकल वर्ल्ड का। और आर्क मिथिकल वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला एक मैंटिकोर, एक एलुसोरस और एक माइक्रो रैप्टर। और ये तीनों डायनो जो ना गाइस वो काफ़ी ज़्यादा ओपी है। इसमें से दो डायनो जो है ना गाइस, वो डायनो दूसरे डायनोस को नॉकआउट करने का काम करते हैं, और एक डायनो काफी खतरनाक वाला डैमेज देने का काम करता है। और अभी आज के इस एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं गाइस, आज के इस एपिसोड में हम जो है ना गाइस यहां पे हमारे ब्लड एंड एम्बर वाले जो वाइवरन है ना, क्रिस्टल वाइवरन, उनके जो अंडे तुम्हारे भाई के पास है, उन अंडे को हैच करने का काम जो है ना गाइस आज के इस एपिसोड में तुम्हारा भाई करने वाला है। तो चले गाइस बिना किसी देरी के आज का जो एपिसोड है गाइस वो शुरू करते हैं और फुल टू दबाए मचाते हैं। लेकिन गाइस आज का जो एपिसोड वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार गेमिंग विद्यार्थी के चैनल पे, जो आप तक उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है, हमको काफी मोटिवेट करते हैं इसी खतरनाक डोपी सी वीडियोस बनाने के लिए। तो जरूर से याद से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो चले भाई लोग खतरों से भरा हुआ हमारा एडवेंचर शुरू करते और कुल्टू दबाए मचा डालते। क्या बोलती पब्लिक, लेट्स गो ना मेरे भाई लोग। अभी अपन को क्या करना है बताया, क्या मेरे पास अंडे तो है, लेकिन वो अंडे हैच करने के लिए मैं एक सेंटर बनाना चाहता हूँ। एंड वो सेंटर अपन कहाँ पे बनाएंगे, ये देखो भाई अभी बताता आपको कहाँ पे बनाएंगे भाई। ठीक है, लेना भाई पिल्लर भाई, ठीक है मीडियम वाला ले, स्मॉल वाला ले भाई, लार्ज वाला स्मॉल वाला ले भाई। ठीक है 10 by 10 बना ले पिल्लर, ये 10 पिल्लर इज दा। अरे 10 पिल्लर को जो है ना कि अपन क्या करेंगे बताए क्या गाइज, 10 पिल्लर को यहाँ पे लगा डालेंगे भाई। ठीक है मैं जो ना गाइज एक हैच करने के लिए पहले एक भाई ऑफिस जो ना गाइज प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ भाई, सिंपल इज दैट ब्रो। और अपन को कुछ नहीं चाहिए, एक ऑफिस प्लेटफॉर्म चाहिए भाई। ठीक है ये लेवल सही रहेगी, एक्चुअली में ये लेवल काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी भाई। ठीक है ये लेवल सही है ना, या फिर एक्चुअली में नीचे है भाई, थोड़ा सा नीचे है भाई, थोड़ा एक और स्टेप ऊपर कर ले। हाँ देख ले, अभी सीलिंग लगा ले, सीलिंग तो अपन यहाँ पे लगा देते और देख लेते कि ये लेवल जो है ना का जो एक्चुअली में ठीक है या नहीं भाई। ठीक है वेट अ मिनट, ऑल राइट अभी ये यहाँ पे ले ले, एंड ये लेवल ठीक है क्या, एक्चुअली में ठीक तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, लेट्स सी। चलो हाँ ये लेवल तो ठीक ही लग रहे हैं मेरे को गाइज, लेवल तो ठीक ही लग रही है। बड़े पे थोड़े से और वो डालने पड़ेंगे यार मेरे को, पिल्लर्स विल्लर्स डालने पड़ेंगे भाई। यहाँ पे ऊपर साइड जो ना गाइज अपना एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाना चाहता हूँ भाई, बट इसमें जो ना काफ़ी ज़्यादा तुड़ुक जाम है बताए आपको गाइज, बहुत ज़्यादा तुड़ुक जाम है। बट एक्चुअली में अपन शायद ये कम्प्लीट कर पाएंगे भाई, और स्टोन की मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो एक काम कर ले भाई, यहाँ पे भाई स्टोन का सारा सामान खींच ले भाई। ठीक है हाँ भाई ठीक है, ये भी डाल देना, ये यहीं पे तो लग जाएगा, ये तो पत्थर है ना भाई, पत्थर में नहीं लगेगा क्या? चलो पत्थर में लग तो जाना चाहिए भाई, कनेक्ट तो होना चाहिए भाई, देखते चलो भाई ये कनेक्ट हुआ कि नहीं और यहाँ पे आके सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि पत्थर में तो टच हो चुका है तो मेरे हिसाब से कनेक्ट तो होना चाहिए था। नहीं यार और इसको नीचे तक भाई कनेक्ट करना पड़ेगा यार, ये काफ़ी ज़्यादा तुड़ुक जाम वाला काम है बताया गाइस आपको, काफ़ी ज़्यादा तुड़ुक जाम वाला काम है। देखो भाई अबे लग जाना भाई, ये ले अबे लगना, अबे व्हाट द हेल, अरे यार लग काय नहीं रहा, ये लग क्यों नहीं रहा है पिल्लर भाई अपना तो भाई पूरा। हाँ भाई ये ले बेटा, इसको नीचे तक लेके जाना है मेरे को, ये यहाँ पे एक्चुअली में कभी कभी लग जाता है कभी कभी नहीं लगता गाइस। ये देखो भाई ये भाई ये लगना भाई, हाँ लग गया, नाइस वन। अभी इसको अपन को सीधा सीधा नीचे तक लेके जाना है भाई। ठीक है थोड़ा सा बिल्डिंग करना है गाइस अपन को, ऑल राइट भाई अभी बना रहे हैं ना कोई अगर चीज़ कर रहे हैं ना तो कैसे एकदम शिद्दत से करो भाई। ठीक है एकदम ओपी दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बनाने के लिए भाई एक कुछ बना लो, ऐसा नहीं गाइस। ठीक है इस वाले इसमें अपने एकदम शिद्दत से एकदम अच्छे से जो है ना गाइस बना डालेंगे भाई। ठीक है अपना भाई एक इंक्यूबेशन सेंटर भाई, और ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला गाइस, बस थोड़ा सा बेस जो है ना गाइस वो बनाने के लिए टाइम लगेगा, उसके बाद तो अपना एक इंक्यूबेशन सेंटर जो है ना गाइस वो तो रेडी हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है फाउंडेशन लगा दूंगा ना तो काम 25 हो जाएगा। हाँ ये तो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा ना, ये तो कोई सीन ही नहीं है, डायरेक्टली जमीन के अंदर कनेक्ट मार। हाँ ठीक है चला जा, ले बेटा फाउंडेशन ले ले, फाउंडेशन बना सकता हूँ ना गाइज, फाउंडेशन ले लेंगे भाई, काम 25 भाई, ये ले भाई चल
फाउंडेशन यहाँ पे लगा डालूंगा। हाँ डन भाई। चलो गाइस यहाँ पे फाउंडेशन एक बार लग गई ना तो अपना काम 25 हो जाएगा भाई। अबे यार लेकिन थोड़ा सा भाई इशू हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो रहा है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, ये अपन बाद में देख लेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए अपन एसी लगा डालेंगे इसके ऊपर, कोई चीज नहीं है गाइस। यहाँ पे इसके ऊपर जो ना गाइस अपन एसी लगा डालेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे बस मेरे को अभी फाउंडेशन जो ना गाइस वो लगा के एक छोटा सा बेस जो है ना गाइस वो क्रिएट करना है। इसको नीचे से मैं कनेक्ट कर दूंगा, पर यहाँ पे एक छोटा सा एक बार बेस क्रिएट कर लिया ना गाइस अपने बेस के मतलब लेवल का अलाइन करके अपने बेस को, फिर तो अपना काम 25 हो जाएगा। मेरे को यहाँ पे बेसिक सा बेस जो है ना गाइस वो नीचे पहले फटाक से बना दो गाइस, ठीक है। A few moments later. Guys, अपना बेसिक सा जो बेस है ना गाइज वो यहाँ पे बन चुका है भाई, ठीक है। अपन को ज्यादा भी दिक्कतों का जो सामना है ना गाइज वो करना नहीं पड़ेगा। बेसिक सा जो बेस का अपना स्ट्रक्चर था ना गाइज वो यहाँ पे बन चुका है। बस अभी मेरे को नीचे तक जो ना गाइज थोड़ी सी सीढ़िया टाइप लेके चली जानी है भाई, ठीक है, ताकि मैं नीचे जो ना गाइज, हाँ भाई ये जो ना गाइज ये अपन तोड़ने वाले हैं। अपन क्या करेंगे यहाँ से डायरेक्टली जो ना गाइज स्टेयर्स नीचे लेके जाएंगे, ताकि ऊपर चढ़ने के लिए भी अपन को भाई यहाँ पे कुछ चाहिए होगा ना गाइज। ये देखो गाइस अब एक ही बन रही है क्या, 10 बना ले भाई, 10 तो कम से कम सीढ़ियाँ लगेगी यार मेरे को, 10 सीढ़ियाँ तो कम से कम लग जाएंगी गाइस, ठीक है। फिर ये जो भाई अलाइन करने के लिए बेस को वो लगाए थे ना गाइस अपन ने, पिल्लर विल्लर वो तोड़ दूंगा मैं। हाँ यहाँ से ऐसा नीचे लेके चल भाई, यहाँ पे एलिगेटर क्यों आ रहा है, एलिगेटर वहाँ मरना है क्या तेरे को, मार खाना है, डर नहीं लगता बेस की आग। इसको कैसे मैं मतलब नीचे लेके जाऊँ वो सबसे बड़ा सवाल है। इसको यहाँ पे तो लगा दूँ मैं, यहाँ से ऐसे लेके जा सकता हूँ ना नीचे डायरेक्टली, वो लग जाएगा। हाँ नाइस वन, खतरनाक खतरनाक। रेलिंग लगानी पड़ी, अबे यार ये तो अपने दरवाजे के पास आ रहा है यार। यहाँ पे एक सीलिंग लगा दूँ क्या, यहाँ पे सीलिंग लगा के इसको मोड़ सकता हूँ मैं एक्चुअली में इस तरफ। देखो गाइज ऐसे बनाया जाता है प्रोफेशनल बेस भाई, क्या बोल दी पब्लिक है, बोले तो तकलीफ ना मेरे भाई। किधर जा रहा है भाई, भाई एलिगेटर भाई स्टोन का वो तोड़ना पाएगा, तुम टेंशन ना लो भाई, इसको भगवान के पास पहुंचा दूंगा बाद में। अबे कंट्रोल से हट जा, कंट्रोल भी कभी कभी अटक जाता है यार अपना ये, ठीक है। चलो भाई तो वो रहा गाइस अपना एक इंक्यूबेशन सेंटर। हाँ इसको भाई पूरा का पूरा स्क्वेयर टाइप बना लेना है, इतू सा भाई इनफ रहेगा ना, इतू सा इनफ रह जाएगा। अभी ये जो है ना गाइस ये इसको पिकअप कर सीलिंग को, एंड नीचे से मेरे को बस ये बम्बू को पिकअप कर लेना, फिर अपना काम हो जाएगा 25 भाई। पिकअप स्टोन पिल्लर भाई, ठीक है, एंड इसके भरोसे यहाँ पे टिका हुआ है, इसको भी कर लेंगे अपन पिकअप स्टोन पिल्लर। चलो डन, टूट गया सब कुछ, नाइस वन। एंड गाइस यहाँ पे अभी बस रेलिंग लगाएंगे, रुक जाओ गाइस रुक जाओ भाई, बिल्डर राहुल द बिल्डर इज हियर भाई, तुम टेंशन के को ले रहे हो भाई, अपने साथ तो डरने की क्या बात, बताओ बताओ भाई, अपने साथ तो डरने की क्या बात भाई बताओ। चलो डन, अभी भाई यहाँ पे रेलिंग लेके आ भाई, रेलिंग भाई मेटल की चाहिए मेरे को, ऐसा सादा सुधा भाई रेलिंग में लगाएगा नहीं, पहले बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ये नीचे कुछ ज़्यादा उंगली कर रहा है लोंडा, डोडो रिक्सी इधर आ भाई, इधर आ भाई, चल नीचे चल भाई, रुक जाओ पहले इसको डोज दे के आने दो मेरे को, ये कुछ ज़्यादा ही नीचे जो ना कहीं उड़ने का काम कर रहा है भाई। कार लोंडे बग भेज क्या, कौन भाई बग भेज क्या, जला के खाक कर दे भेज क्या, जला के खाक कर, खा जा पूरा खा जा इसको, अबे खा जा 29 लेवल का पॉइंट आया ना, रुक जा अब भी डी करके देता ले बेटा, खा जा भेज क्या खा जा, 1000 का डैमेज सीधा भाई डाउन, खतरनाक, इसे बोलते ओपी गेम प्ले जरा। चलो डन भाई, नीचे जो भाई उंगली कर रहा था उसको तो अपन ने चेप डाला, अभी मेरे को जो ना मेटल की रेलिंग बढ़ाने दो भाई, मेटल की रेलिंग काफ़ी ज़्यादा कूल लगेगी, बताया गाइस सबको, रेलिंग इज द ब्रो, रेलिंग ये रही सो बनाने के लिए डाल देता हूँ, आगे फ्यूचर में भी काम आएगी अपन के, ठीक है। अभी जो है ना गाइस जब तक यहाँ पे रेलिंग बन रही है ना तब तक अपन 20 AC काम बन जाएगा ना, 20 AC तो बड़े आराम से काम बन जाएगा, बट और भाई एयर कंडीशनर 20 बनाने के लिए डाल दे भाई, इनकेस अगर कुछ दिक्कत हुई अपन को, समझ ले अंडे हैच ना हुए तो ये काम आ जाएंगे। 20 तो मैं वहाँ पे लगा ही देता हूँ अभी, कोई चीज नहीं है भाई, 20 तो मैं वहाँ पे लगा ही देता हूँ अभी। चलो आ जाओ लेट जाओ भाई, देखो जैसे ऐसा ऊपर चढ़ सकते अपन, ये देखो देख रहे हो टॉयलेट गाइस, टॉयलेट। हाँ भाई ये कहाँ पे लगा दे, यहाँ पे लगा देगा इसके ऊपर, ये पे लगा देते, कुपचेवाड़ी में लगा देते भाई, कुपचेवाड़ी में लगा देते भाई। ले बेटा वन, अब आगे आगे लगाने, आगे ऊपर ना बेटा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 यहाँ पे,
एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 भाई, ठीक है 20 लग गई। और इनको पावर कहाँ से मिल रहा है गाइस? अपन का जो नीचे का भाई टेक वाला जनरेटर है उससे इसको जो ना बड़े आराम से एंड ओपी तरीके से पावर जो ना गाइस वो मिल रही है भाई। अपन जो ना गाइस अंडे यहाँ पे हैच करने के लिए डाल देते हैं, क्योंकि अंडे हैच होने में मेरे हिसाब से काफी ज्यादा टाइम गाइस यहाँ पे लगने वाला है भाई, ठीक है। दो ब्लड वाइब्रेंट के अंडे गाइस मेरे पास, और एक जो है ना मैं यहाँ से डायरेक्टली शॉर्टकट मार सकता हूँ। वाह बेटे वाह, खतरनाक बोलते भाई, ठीक है आ जाओ। दो ब्लड वाइब्रेंट के और एक अपन के पास जो ना गाइस यहाँ पे एम्बर वाइब्रेंट का अंडा है, तो दो अंडे यहाँ पे डाल दे और एक है तीनों एच चार। चार घंटे भेज गया तुम? अरे साथ मजाक कर रहे हो? मैंने एक हैचिंग स्पीड कितनी रखी है यहाँ पे? चार नहीं 5 घंटे बता रहा है भाई, 5 घंटे बता रहा है। मजाक कर रहे हो क्या? अब बावड़ी पूछ, तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? एक मिनट रुक जा, 5 घंटे का एक का 5 घंटे भाई, हैचरी बना ले, चुपचाप हैचरी बना ले, हैचरी बना ले, रुक जाओ। हैचरी किधर है भाई? हैचरी बना ले, हैचरी बना ले भेज के आग, ठीक है। रीफर्टिलाइजर बना ले, फर्टिलाइजर बना ले, रीफर्टिलाइजर, रीफर्टिलाइजर भाई 10 बना ले, 10 से काम बन जाएगा। चला जाइए ले, ये बना ले, चलो आ जाओ भाई साहब। मतलब इतनी मेहनत जो अपन ने करी सारी पानी में, किसी काम की नहीं है भाई। मतलब 5 घंटे बोले, 5 घंटे कौन सा कैलकुलेशन लगा के इसने 5 घंटे का टाइम मेरे को बताया? वो खुद पता नहीं आ रहा भाई। हैचरी लगा भाई, हैचरी लगा, हैचरी लगा इधर, हैचरी इधर लगाएंगे भाई, ठीक है। अपोजिट साइड में थोड़ी हैचरी होएंगी, इसके अंदर रिफर्टिलाइजर डालता हूँ और अपने अंडे जो ना कि जो हैच करने के लिए डाल देंगे इसके अंदर भाई, ठीक है। ये ले बेटा, किधर है मेरे 3-3 अंडे भाई? अरे मेरे 3 अनमोल रतन किधर है? ये भाई एक्टिवेट कर ले, उठा ले बाबा। मेरे इन्वेंटरी में तो मेरे अंडे नहीं है, मैंने कहाँ पर रख दिए? अबे भाई गाइस, पता है क्या हुआ अभी जस्ट यहाँ पे? पता है क्या हुआ? पता है क्या हुआ भाई? भाई सच में भाई, अभी जो मेरा दिमाग घूम रहा है ना भाई, सच में ये हैचरी जो है वो बनाने के लिए आपको पता होगा गाइस क्या चाहिए होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस क्या चाहिए होता है, ठीक है, दिखा देता हूँ गाइस, ठीक है। हैचरी, हैचरी बनाने के लिए हमको चाहिए होते हैं 20 अंडे, 20 अंडे चाहिए लिखा हुआ है गाइस, देखो 20 अंडे केरिटिन और थैच चाहिए। अभी 20 अंडे चाहिए मेरे को, लगा ये 20 अंडे खींचेगा कहाँ से गाइस? 20 अंडे खींचेगा इसके अंदर से, इसके अंदर भर भर के अंडे पड़े हुए हैं भाई, ये देखो 100 अंडे पड़े हुए हैं, लगा यहाँ से खींचेगा। बट ये गेम इतना शाना है कि वहाँ से उसने सिर्फ 17 अंडे खींचे, और जो 3 फर्टिलाइज वाले अंडे थे मेरे पास मेरे इन्वेंट्री में, वो 3 यूज करके उसने वो ये फालतू सी हैचरी बना डाली। बताओ गाइस भाई, सच में जो मेरा दिमाग घूम रहा है ना भाई, जो बच्चू जो वाइब्रेंट इधर, किसी के ऊपर तो मेरे को गुस्सा निकाल रहा है। कौन है भाई, कौन उड़ रहा है इधर? पेड़ डालूंगा भाई इसके यार। मतलब सच में भाई गेम जो ललित है ना भाई, ये गेम भाई दिमाग घूम रहा है सच में, क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा है बे। हट भाई, भाई पनौती भाई कैसे भाई, ये वाइब्रेंट एक अंडे का आपको बताएगा इस कितने एपिसोड से मैं कर रहा था, और मुश्किल से अपन को एक 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 अंडा मिल जाता है भाई, और उसमें भी भाई जो अंडे मिले थे वो भाई हैचरी में यूज हो गए भाई, हैचरी बनाने में। सच में बैड लक है आज, आज 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 पता नहीं भाई क्या किसकी पनौती लग गई है भेज गया मेरे को भाई, सच में मेरे को किसी की पनौती लग गई भाई। आ जा भाई, अभी यही काम पूरा कर ले, अबे और कुछ तो हो नहीं पाएगा बेटा, ये पुला कर ले। अच्छा 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 भेज के आ जाओ भाई, हैचरी हैचरी बनाने का काम पूरा कर लेते भाई, फ्यूचर में कभी अगर भाई हुआ तो अपन कर लेंगे भाई अंडे विंडे हैच बीच भाई, अगर अपन को मिले कभी फ्यूचर में तो भाई। लग नहीं रहा कि अभी यार कुछ होगा। अबे तू भाई बावड़ा का रेलिंग नीचे कौन लगाता है बताओ भाई, पूरा घर तोड़ दूंगा भेज के, तू वहाँ घूम रखा है भाई। सच में भाई ऐसा कैसा कर सकता है भाई ये गेम? अब मैंने भी ध्यान नहीं दिया, बट इसको फर्टिलाइज वाले अंडे नहीं यूज़ करने चाहिए थे ना गाइस, भाई डायरेक्टली भाई वो वाले अंडे यूज कर ले भाई जो भाई फर्टिलाइज वाले नहीं है ना भाई, फर्टिलाइज वाले अंडे यूज करके काट देगा भाई तुम्हारा गेम बेच के आगे भाई। सच में भाई बिक गई है गवर्नमेंट, ये सारे मिल के पागल बना रहे गाइस हमको सच में भाई। हाँ भाई ये लो भाई, बारिश भी भाई ये देख रहे हो भाई, बारिश भी अभी भाई एकदम फीलिंग डाल रही है वो, ठीक है एकदम सैड वाली फीलिंग डाल रही है बारिश भी। ये हैचरी तोड़ने का मेरे को मन कर रहा है, बट क्या करे भाई काफ़ी महंगी भाई हैचरी है अपनी, ब्लड वाइब्रेंट और क्रिस्टल वाइब्रेंट के अंडों से बने हुए हैचरी है भाई, मजाक कर रहे हो, इसको तोड़ नहीं पाएंगे अपन यार जी भाई। आ तू बे भाई, ये नहीं होना चाहिए था यार मेरे साथ गाइज, रुक जाओ भाई घर ही कंप्लीट कर लेते अभी, अभी क्या ही बोलूँ गाइज मैं, क्या ही बोलूँ भाई।
भाई इतने इतने सालों से भाई, इतने दिनों से, सालों से नहीं इतने दिनों से भाई, या फिर जिस चीज़ के लिए भाई अपन तैयारी कर रहे थे वो चीज़ तो भाई हो ना पाए भाई, ऊपर से अपना बहुत ज़्यादा बड़ा वाला कट गया। चलो आ जाओ भाई, देखो आसमान भी रो रहा है भाई अपने दुख पे। ये लो गाइस अपना एक इनक्यूबेशन सेंटर गाइस यहाँ पे रेडी हो चुका है, यहाँ से ऐसे नीचे जा सकते हैं, शॉर्टकट के लिए अपन यहाँ से भी आ सकते हैं भाई, शॉर्टकट नहीं मारना, चुपचाप यहाँ से आ जाओ फिर, ठीक है। देखो गाइस ओ ओपी लग रहा है गाइस, ओ भी तो लग रहा है बेटा, अंडे चले गए यार मेरे। चलो गाइस बाय, अभी क्या आज करें भाई, मैं खुद तो अंडा दे के आज नहीं कर सकता ना गाइस, फिर एपिसोड एंड ही कर लेते हैं भाई। भाई ब्लड वाइब्रेंट लोगों का खून चूस चूस के मेरे को भाई यहाँ पे खुद की हेल्थ बढ़ानी थी यार, बट क्या करें भाई कट गया अपना ही। कोई ना गाइस चलो आज का एपिसोड फिलहाल के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। ये देखो मैजिकल वाले पौधे काफी ओपी लग रही है बे, दिख रहे हो अंधेरे में काफी कूल लगते हैं भाई मैजिकल वाले पौधे, खतरनाक भाई सही है। चलो तो गाइस आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, 103-200 भाई, पता नहीं किसी की तो नजर लग गया अपन को और अपन का बेड़ा गर्क हो गया। चलो अगले एपिसोड में भाई किसी तो भाई ओपी से डायनो को भाई टेम करके सारा गुस्सा निकाल दूंगा किसी के ऊपर भाई, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए आज का एपिसोड आर्क सर्वाइवल इवोल्व का गाइस, आर्क मिथिकल वर्ल्ड का ये पे खत्म होता है, मिलता है आपसे अगले एपिसोड में आर्क मिथिकल वर्ल्ड के। और गाइस यहाँ पे नीचे जो हमारे अनबोर्न भाई बच्चे है गाइस उनके लिए हार्ट जरूर स्पैम कर लेना यार, बेचारों का भाई मांडो से भाई हाजिरी बना डाली मैंने, तो गाइस नीचे भाई हार्ट जरूर स्पैम करना कमेंट में भाई, ठीक है। चलो मिलता है आपसे अगले एपिसोड में गाइस, बाय बाय, सी यू लेटर, एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चाहते जाते गाइस, बाय बाय, सी यू लेटर गाइस, मिलते हैं आपसे सीधा अगले एपिसोड में आर्क मिथिकल वर्ल्ड के। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.